मित्रों वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों आप कैसे हैं? मित्रों ठीक होंगे। मित्रों आज आपको मैं पेट में अल्सर क्यों होता है, अल्सर कैंसर का रूप कैसे पकड़ लेता है, इसमें कौन सी जांचें होती हैं, किस प्रकार से आप सही हो सकते हैं 2 से 3 माह में, ये सारी जानकारी, ये दवाएं आपको मैं बताऊंगा। हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का। आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मित्रों पहली बात तो समझिए कि पेट में छाले जब पड़ते हैं तो इसमें क्या कारण होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप पेन किलर का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो पेट में छाले पड़ सकते हैं, आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो पेट में छाले बन सकते हैं। हाँ, छाले अनियमित खान पान से भी होते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह का ज़्यादा सेवन हुआ तो भी उसमें छाले हो सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तब भी उसमें छाले पड़ सकते हैं। छाले जब फूट जाते हैं तो घाव हो जाता है, फिर अल्सर का रूप ले लेता है। और जब अल्सर नहीं ठीक होता है, ट्रीटमेंट समय से नहीं होता है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो मित्रों पहले बात तो ये समझिए कि अल्सर कितने प्रकार का होता है, ये देखिए। एक होता गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर यह आमाशय के अंदर विकसित होता है, ये आमाशय के अंदर ही रहता है। और दूसरा होता है ईसोफेंगियल, यह खाने की नली में होता है, जो भोजन खाने की नली से, गले की नली से लेके पेट तक आई रहती है, उसमें होता है। एक होता है डियोनेनल अल्सर, ये छोटी आंत के ऊपर होता है। तो मित्रों ये 3 प्रकार का अल्सर होता है। अब रही बात है कि अब आपको जानकारी करना है कि कौन सा अल्सर है हमारा, तो इसमें सोनोग्राफी करा सकते हैं। सोनोग्राफी से गाल ब्लेडर और पैंक्रियाज चेक करते हैं, उससे पता लगाते हैं। इसमें नहीं क्लियर होता है तो इंडोस्कोपी कराते हैं, जांच से पेट के अंदर के भीतर पूरा इससे पता लग जाता है। तो मित्रों आपको बता दूं कि अगर आप समय से इस अल्सर को नहीं मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे फिर ये कैंसर का रूप ले लेता है। और जब कैंसर का रूप ले लेता है तो फिर समझ लीजिए आपके हाथ से निकल जाता है। तो मित्रों आपको बता दूं कि इसमें होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर हैं। थोड़ा सा खान पान में भी सुधार करना है। आप जब आपके हाथ में कैंसर अल्सर हो गया है तो कम से कम 100 ग्राम अगर कहीं घाव है तो उसे मलहम लगाना सीखो। अगर अल्सर हो गया है, घाव है, तो फाइबर जो होता है लीवर आंत के लिए मलहम है, ये फाइबर देता है, उसको आराम देता है, रिलैक्स देता है, तब जाके वो जल्दी सही होता है। तो इसमें कुछ दवाएं हैं। पहली बात तो खाने के 10 से 15 मिनट पहले कम से कम 200-300 ग्राम आपको सलाद मिक्स खाना है, उसमें फल भी मिला लेना, सब्जी भी मिला लेना। तो उसके बाद आती है एक दवा नक्स बोम का 30 CH में ले लेना। इसकी पिक्चर भी मैं लगा दूंगा, देख लेना। और गीलम 30 CH भी आती है, ये दोनों मिला लीजिए 30 CH 30 CH। और फिर मिला के आपको 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच गर्म पानी में आपको लेना है। और रही बात नेट्रम फास 6 EX पोटेंसी में आप ले सकते हैं, इसको 2 गोली सुबह शाम आप चूसेंगे तब ये आपको गैस नहीं बनने देगी और कच्ची ढकार नहीं आएगी। हाँ ये है कि आप इस ट्रीटमेंट के समय अल्कोहल का प्रयोग कतई ना करें, जिससे आपका अल्सर ठीक हो, नहीं तो आप कैंसर की चपेट में आ जाएंगे, फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो मित्रों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं मित्रों तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। नमस्कार।